बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ए बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के ए सी इंटू में एक्स माइनस के बी सी इज्क्वल टू जीरो। ये सीबीएसई 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज करना है, ठीक है, जो मेथड कहा जाता है तो उसी से हमें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज्क्वल टू जीरो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ए जो होगा हमारा, यानी कि इसको हम कैपिटल ए मान लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इनको ए, इसको कैपिटल बी और इसको कैपिटल सी, ठीक है। ए इज्क्वल टू, यानी कि हमारी जगह यहाँ पर ए बी है और बी की जगह यानी कि बी स्क्वायर माइनस के ए सी और सी के जगह माइनस के बी सी, ये है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा डी इज्क्वल टू बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी। तो यहाँ पे बी क्या है, बी की जगह यानी कि बी स्क्वायर माइनस के ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के फोर। ए क्या है, ए मीन्स यानी कि ए बी, और सी क्या है हमारा यहाँ पे माइनस बी सी, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम इक्वल टू जीरो ले लेंगे। तो इसको खोलेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, बी की पावर फोर, ठीक है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के टू ए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा b की पावर 4 हो गया माइनस के प्लस के ए सी का होल स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू के बी स्क्वायर और इंटू के माइनस के सॉरी प्लस के ए सी। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के और माइनस और माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4 ही रहेगा, a नहीं है, ऐसे पे रहेगा, b की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर और सी यहाँ पर, ठीक है, तो फोर बी सी। तो यहाँ पर हमारा बी की पावर फोर प्लस में ए सी का स्क्वायर माइनस के, इसको ओपन कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर ए सी और प्लस में फोर ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ पे कुछ कट रहा है, ये बी स्क्वायर ए सी, ये भी ये है और ये भी ये है, ठीक है। तो बी स्क्वायर बी की पावर फोर ए सी स्क्वायर और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस के क्या बच जाएंगे, टू ए बी स्क्वायर और सी बच जाए, क्योंकि ये और ये दोनों के दोनों लाइक टर्म है। देखो आगे पीछे लिख रखा है इन्होंने, लेकिन इसको हम एक सीरीज में लिख सकते हैं। तो ए को पहले लिखेंगे, बी को बीच में और सी को बीच में, तो ये हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यानी कि बी की पावर टू की पावर टू में ही लिख सकते हैं जो ऑलरेडी पहले था, प्लस में ए सी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में लिखना है और प्लस में टू ए बी स्क्वायर सी। तो इससे बेटे ये कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि जैसे यहाँ माइनस का हुआ था तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा वापस से। तो यानी कि ए हमारा हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया हमारा ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डी, ये क्या आ गया डी। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, एक्स, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू ए, माइनस बी प्लस माइनस डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस प्लस के ए सी और उसका होल स्क्वायर और उसका भी अंडर रूट, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में टू ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, सॉरी बी की वैल्यू थी बी स्क्वायर माइनस ए सी, एक मिनट यहाँ पे वैल्यू हम गलत रख गए, यहाँ पे हमें ये बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, ये माइनस का साइन माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस के ए सी, ये थी बेटे ये वाली, प्लस में डी की वैल्यू अंडर रूट में डी और बी स्क्वायर प्लस में ए सी का होल स्क्वायर और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, ठीक है, और अपॉन में टू इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटे ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो माइनस के बी स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगी तो माइनस माइनस प्लस ए सी
और ये हमारा कट गया बेटे, तो यहाँ पे बच जाएगा बी स्क्वायर और प्लस के ए सी, ठीक है। और अपॉन में ये टू ए बी, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये तो हमारा प्लस का हो गया था, तो ये कितने हो गए टू ए सी, कितना हो गया टू ए सी, और अपॉन में टू ए बी, तो टू ए से टू ए कैंसिल, तो ये आ गया सी अपॉन बी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई सी अपॉन बी आ गई, ठीक है जी। प्लस माइनस, एक बार प्लस होगी तो एक बार, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट डी अपॉन में टू ए, और हमने यहाँ पे b की वैल्यू यानी कि ये b की वैल्यू ये थी हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस के ए सी, और ये माइनस का b रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू ये हमारे पास में है और अपॉन में टू ए बी। इसके बाद में यहाँ पे जब हम अगले स्टेप में करेंगे इसको, तो अगले स्टेप में ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो माइनस के बी स्क्वायर और ये प्लस के ए सी हो जाएगा। यहाँ पे अब हम प्लस वाला ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये बी स्क्वायर प्लस में ए सी यहाँ पे रहेगा हमारे पास में, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में टू ए बी। अब प्लस वाला लिया है तो अब हमें एक बार माइनस वाला भी लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए सी, तो बीच में माइनस आएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में ए सी और अपॉन में टू ए बी। अब यहाँ पे ये लेंगे तो एक्स की वैल्यू ये देखो, पहले तो ये सेम एज इट इज़ ये वाला ये पोर्शन, और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन रहेगा तो यहाँ पे ये, ठीक है। आगे हम करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस ए सी, और ये माइनस के बी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा माइनस के ए सी। अब की बार ए सी ए सी से कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में टू ए बी, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे माइनस के टू बी स्क्वायर और अपॉन में टू ए बी, तो एक बी से एक बी कैंसिल और टू से टू कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए, तो एक वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए और एक वैल्यू आ गई सी अपॉन बी। तो इसकी दो वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के माध्यम से इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक। तो